दोस्तों बिहार इंटर एडमिशन को लेकर काफ़ी बड़ी बदलाव हुई है। बिहार इंटर एडमिशन का जो बिहार इंटर एडमिशन जो ऑनलाइन किए थे एडमिशन के लिए, उनको लेकर काफ़ी बड़ी बदलाव हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोटिस जारी किया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा, ये नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस, तो यहाँ पर विषय में बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 11वीं में नामांकन के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ सब नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर पूरा नोटिस बताया गया कि क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नोटिस को आपको ध्यान से पढ़ना है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा में 11वीं में नामांकन हेतु समिति द्वारा एफएस के पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदनकर्ता विद्यालय के विद्यार्थियों के नामांकन हेतु विद्यालय के आवंटन के संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार राज्य के सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। मतलब कि अब जो है आपका पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है, ताकि उन पंचायत के निवासी के विद्यार्थी को वर्ग 9 से 12 तक के अध्ययन में कोई असुविधा ना हो। आपका जो है पंचायत में उच्च माध्यमिक 9 से 12 तक कई स्कूल जो नए नए स्कूल बना है, कई कई पंचायत में नया नया स्कूल बना है, इसलिए आप जो है आपका 9 से 12 तक के अध्ययन में कोई असुविधा ना हो और उन्हें अधिक दूरी तय कर दूर के विद्यालय में नामांकन लेने की बाध्यता नहीं रहे। इस क्रम में यह तथ्य के भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बिहार के लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। इस प्रकार प्रत्येक उपन्वित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं। तो शिक्षकों की उपलब्धता के साथ ही उन विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी गई है अथवा की जा रही है, कि ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि विद्यार्थियों को अपने निवास स्थान से अधिक दूरी तय कर किसी दूसरे विद्यालय में नामांकन कराने की आवश्यकता न रहे, अपितु उन्हें पंचायत अथवा अपने निवास स्थान से न्यूनतम दूरी पर अवस्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से ये नोटिस जारी किया गया। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान पेपर में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेपर में, तो जहाँ से मैट्रिक पास किया है वहीं इंटर में होगा नामांकन, इस तरह से यहाँ पर हेडिंग करके दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस नोटिस को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने कहा है कि मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी का 11वीं में नामांकन उसी स्कूल में लिया जाएगा जहाँ से वो पास हुए थे। मतलब कि अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम जो स्कूल से दिए हैं उसी स्कूल से अगर आप पास किए हैं, तो उस लिस्ट में अगर आप ऑनलाइन करते समय जो 10 कॉलेज चयन किए थे, 10 स्कूल जो चयन किए थे, तो उस स्कूल का अगर आप नाम दिएंगे तो ऐसे में आपको उसी स्कूल में आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। अगर आप उस स्कूल का नाम दिए होंगे तो उसी स्कूल आपका एडमिशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप स्पॉट एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी बताया गया कि विशेष परिस्थिति में कोई विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रति हस्तांतरित विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उसका नामांकन किया जा सकेगा। हस्ताक्षर के समय पदाधिकारी का ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी का नामांकन दूसरे के स्कूल में नहीं हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से बताया गया है। तो विद्यार्थी के लिए गर्मी में नामांकन को लेकर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बुधवार को पत्र भेजा है कि विभाग ने कहा कि शैक्षणिक 2024-25 में विद्यार्थियों के 11वीं में नामांकन के लिए ओएफएस के पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। विद्यालय विद्यार्थियों के स्कूल के आवंटन करते संबंध में कहना है कि राज्य के सभी पंचायतों में +2 स्थापित कर दिए गए हैं, ताकि उस पंचायत के विद्यार्थी को अधिक दूरी तय कर स्कूल में नामांकन लेने की बाध्यता नहीं रहे। इस स्कूल में BPSC के से 1,00,000 शिक्षक की नियुक्ति भी कर दी गई है, साथ ही स्कूल में आधारभूत संरचना भी विकसित कर दी गई है। तो ऐसे में एडमिशन लेने के लिए आपका मेरिट लिस्ट जारी करने का डेट जो कल रखा गया था, तो कल डेट रखा गया था, तो ये कल ही नोटिस आपका जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका डेट को 8/5/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसे में अब जो बदलाव किया गया है, तो पहले आपका अब जो है आपका एडमिशन जो है पंचायती में होगा, पंचायत में जो भी आपका स्कूल होगा, मतलब जो भी +2 विद्यालय होगा उसी स्कूल में आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम उसी स्कूल से जो स्कूल से आप दिए हैं मैट्रिक का स्कूल से एग्ज़ाम,
तो उस स्कूल का एडमिशन कराने समय, एडमिशन का ऑनलाइन कराने समय उस स्कूल का नाम दिए होंगे, उस लिस्ट में अगर आप नाम दिए होंगे तो उसी स्कूल में आपका एडमिशन ले लिया जाएगा, उसी स्कूल में आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। ऐसे में अगर आप दूसरा स्कूल में अगर आपका कराना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिस्थापित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उसका नामांकन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रत्याशित स्थानांतरण प्रमाण पत्र के द्वारा स्पॉट एडमिशन किया जाएगा। इसी स्थिति में अगर आप कराना चाहते हैं तो यही आपका बदलाव किया गया है। तो अब जो है आपका पहले इस प्रकार से होता था, पहले आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन कराना पड़ता था। एडमिशन के ऑनलाइन कराने समय आपका 10 कॉलेज या स्कूल को 10 कॉलेज का चयन करना होता है। 10 कॉलेज का चयन करते थे, उसके बाद आपका जो भी कट ऑफ में आता होगा, आपका जो इतना कट ऑफ रहता है उसके अनुसार आपका जो भी कॉलेज आवंटन होता था, जो भी आपका कॉलेज चूज होता था वो कॉलेज में आपका एडमिशन लिया जाता था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता था। अब जो है इस तरह से चेंज कर दिया गया, इस तरह से बदलाव हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका बदलाव हुआ। पंचायत में भी आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो अगर आपको ये अपडेट आपको अच्छी लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और चाहते हैं कि ऐसे आपको अपडेट मिलते रहें तो हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। इसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं।